हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए पास द रियल स्टोरी यूट्यूब के चैनल से आज मैं आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन 2.0 का आज चौथा दिन है। जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में एक रियल स्टोरी सुनाई थी, आज के हम इस वीडियो में कुछ नई चीज लेकर आया हूं। जितने भी वीडियो हैं वो मैं यहाँ पर इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि हम पढ़ाई के लिए या अपने जीवन का जो कैरियर हमने डिसाइड किया है उसके लिए हम लक्ष्य कैरियर के लिए जो हम लॉकडाउन के पीरियड में जारी किए हैं या जो मैंने शेयर किए हैं वो सभी वीडियो कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेंगे और हमारे कैरियर में कैरियर को पाने के लिए हमें अकेला सफ़र तय करना पड़ता है और कारोबार तो बहुत बाद में जुड़ता है दोस्तों, चलना अपने अकेले ही है। चलिए आज की इस वीडियो में कुछ नया चीज लेकर आया हूँ, कुछ बहुत एक नई स्टोरी आपके साथ लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने बीकॉम फाइनल ईयर में चित्रांश में एडमिशन लिया था और वहीं पर मेरे दोस्त रमेश कुमार पांडे, विक्रांत साहू, महेश झवर, सुरेंद्र और एक मित्र और जिसका नाम है पी रमेश, हम ये पांचों मित्र हम एक ही जगह मिले। मित्रों की एक टोली थी चित्रांश कॉलेज में और हम सभी के अपने विजन थे और बीकॉम फाइनल ईयर में हम सभी मित्रों ने एक दूसरे से कंपटीशन किया था कि हम में से ज्यादा नंबर कौन लेकर आएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने पांचवी पढ़ा, पांचवी के बाद सीए दसवीं की पढ़ाई दी, दसवीं का फॉर्म भरा और फिर ट्वेल्थ और बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्राइवेट रहा लेकिन फाइनल ईयर में मैंने रेगुलर एडमिशन लिया। बीकॉम फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और दोस्तों मेरे जो नंबर थे वो मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा आए, मतलब मेरे नंबर जो थे बीकॉम फाइनल ईयर के, मेरे प्यारे मित्र जो सबसे पढ़ने होशियार था उसका नाम था रमेश कुमार पांडे, उससे भी ज्यादा मेरे नंबर बीकॉम फाइनल ईयर में आए और तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ अब मैं सीए की पढ़ाई कर सकता हूँ और जिसके कम नंबर आए थे उसको इसमें पार्टी देना था। तो सबसे कम नंबर आए थे पी रमेश के, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पी रमेश पार्टी देगा और उसने एमपी नगर में ज्योति टावीज है उसी के ऊपर आनंद करके रेस्टोरेंट था, वहां पर हम सबको उसने पार्टी के लिए बुलाया और हम उस पार्टी में गए। उसने बहुत अच्छी पार्टी दी पी रमेश ने, हम सब ने पार्टी का एंजॉय लिया और यहीं पर मैंने पी रमेश को कहा कि पी रमेश अब जिस तरह मैंने बीकॉम फाइनल ईयर में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया हूं और पास किया हूं, ऐसे ही मैं सी का एग्जाम भी पास कर लूंगा। यहां पर पी रमेश ने मुझे एक बहुत बड़ी बात कही जो दिल में लग गई मेरे दोस्तों। उसने कहा मुकेश सीए की परीक्षाएं कोई बीकॉम की तरह नहीं है, मैं मानता हूं कि तुमने बीकॉम में हम सब ज्यादा नंबर लेकर आए हो लेकिन अगर तुम सीए की एक क्लास भी निकाल दोगे ना तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। दोस्तों पी रमेश की ये बात मुझे बहुत दिल में लग गई और मैंने उससे कहा ठीक है दोस्त, मैं सीए बनकर ही तुम्हें दिखाऊंगा और तुम अपना वादा याद रखना। उसने कहा मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है, जिस दिन तुम एक क्लास निकाल लो मेरे पास आना। और इस तरह वो मीटिंग हमारी खत्म हुई, पार्टी खत्म हुई और हम सब दोस्त वहां से निकल लिए। उसके बाद सीए का सफर हमने शुरू किया, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने और रमेश ने। उसके बाद में लगातार फेल होता चला गया, एक अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरा अटेम्प्ट फेल हुआ, तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ, तीसरे अटेम्प्ट के बाद मेरा दोस्त रमेश मुझे छोड़कर चला गया, यहां से मैंने अकेले सफर शुरू किया और पांचवें अटेम्प्ट पर आकर जब मैं फेल हुआ तो मुझे अपने आप पे बहुत दुख हुआ और मैं वाकई में डिप्रेशन में चला गया दोस्तों और मुझे यकीन हो गया कि अब मैं सीए नहीं बन पाऊंगा
और पी रमेश ने जो चैलेंज किया था, जो उसने शर्त लगाई थी, वो भी मैं हार जाऊंगा। मैंने एक दिन पेपर पलटा रहा था, पेपर पलटा थी कि मैंने देखा कि एक जगह पर एक पेपर कटिंग में लिखा है, अगर आप जिंदगी से निराश हो चुके हैं तो आप ये किताब पढ़िए, और उसमें लिखा था जीत आपकी, जो कि शिव खेड़ा की थी। सर, मैंने वो पेपर कटिंग उठाई और फौरन दौड़ा दौड़ा स्टोर पर गया, और मैंने स्टोर से शिव खेड़ा जी की जीत आपकी किताब लेकर आया। उस किताब को मैंने पढ़ा और अपने आप को बहुत सारा बूस्ट किया। यदि भी इसके बारे में जी भोपाल में आने वाले हैं, तो मैंने उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं पहुंच गया। सेमिनार मैंने अटेंड किया, सर ने बहुत अच्छी अच्छी रियल इंस्पायरेशन स्टोरियां सुनाई, कैसे हम अपनी असफलता को सफलता में बदलें, ऐसी कई कहानी उन्होंने सुनाई। लेकिन एक कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई, वो कहानी मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि वो कहानी पढ़ाई से रिलेटेड थी मेरी। उस कहानी बताया था लक, प्रैक्टिस और डिसीजन, और उसके बाद प्रॉब्लम्स, यानी एलपी डीपी। शॉर्टकट में अगर हम बोले तो एलपी डीपी। सर, ये चार चीजें हैं ना, आज आप नोट कर लीजिएगा, आप हर मैदान में सफल होंगे। शिखर जी ने, क्या आप जानते हैं मार्क स्पीच को, द ग्रेट स्विमर? इन 1972 म्यूनिक में इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते थे सर। तो वहां पर प्रेस वाले भी थे और मीडिया वाले भी थे, तो किसी ने उनसे कहा कि सर आपने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए, मस्ट बी योर लकी डे। ये बात जब मार्क स्पीच ने सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और उन्होंने उस जर्नलिस्ट को अपने पास बुलाया। आप जरा यहां आएंगे, मैं बताता हूं क्या होता है लक मेरे लिए। मार्क स्पीच ने जर्नलिस्ट से कहा कि आई वॉज इन मैक्सिको इन 1968। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई वॉज इन मैक्सिको इन 1968, जहां पर मुझे 4 गोल्ड मेडल मिले थे सर, जिन्हें मैं पाकर खुश भी था और ना खुश भी। उसके बाद इन 4 सालों में, 4 साल मतलब 1968 से 1972 के बीच, उसके बाद इन 4 सालों में मैंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की है सर, और यदि आपका गणित अच्छा है तो 2,500 घंटे पर ईयर मैंने प्रैक्टिस की है, और यदि आप गणित और भी अच्छा है तो 8 घंटे पर डे बिना छुट्टी बिना एतवार के मैंने प्रैक्टिस की है। और आप कहते हैं कि ये सब मुझे मेरे लक से मिला है। द लक इज नॉट डिजाइन टू डिलीवर दीज थिंग। ध्यान दीजिएगा, भाग्य जो होता है ना, ये सब देने के लिए नहीं बना होता है। अगर आप हम आने वाले 4 सालों के लिए अगर हम भी 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करें ना, तो हम सब भी ओलंपिक में खेल लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहां पर इस कहानी में ध्यान दीजिएगा, उन्होंने प्रैक्टिस की बात की थी। अपने से किसी को माइकल फेब्स के बारे में पता है? यस, माइकल फेब्स 2008 में, जिन्होंने बीजिंग में 8 गोल्ड मेडल जीतकर 36 साल पुराना रिकॉर्ड मार्क स्पीच का तोड़ा था सर। माइकल फेब्स ने 2008 में बीजिंग में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पीच का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था सर। लेकिन प्रसिद्धि उनको इस बात से नहीं मिली कि उन्होंने मार्क स्पीच का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि प्रसिद्धि उन्हें किसी और बात से मिली, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हम में से कितने लोग जानते हैं सर कि माइकल फेब्स का 2008 से ठीक 2 साल पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें उनके दाएं हाथ में बहुत बड़ा फ्रैक्चर आया था सर। और जब वे डॉक्टर के पास बैठे हुए थे,
और डॉक्टर जब उनसे कहा कि सर अब आप पानी में नहीं जा सकते, और इस बात की क्या गारंटी है कि हाथ जोड़ने के बाद ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि पहले किया करता था? माइकल फेल्प्स ने जब ये बात सुनी डॉक्टर की तो उन्हें बहुत बुरा आया। सर आप भी विकिपीडिया देख सकते हैं, और वो वहां पर 2 घंटे डॉक्टर के पास बैठकर रोते रहे, क्योंकि उनका बरसों का जो सपना था वो चकनाचूर होकर नजर आने लगा। सर जब सपने बिखरते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। ऐसे ही माइकल फेल्प्स को दर्द होने लगा। उन्होंने दिन रात इस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए सपने देखे थे सर। उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद जब माइकल फेल्प्स उठे तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मैं पानी में जरूर जाऊंगा। यानी उन्होंने डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, डॉक्टर साहब मैं पानी में जरूर जाऊंगा लेकिन मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगा। और इस प्रकार माइकल फेल्प्स ने 2 साल लगातार प्रैक्टिस की सर, और 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर 36 साल पुराना मार्क स्पिच का रिकॉर्ड तोड़ा सर। सर माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी, यू हैव ए प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम थी। हम प्रॉब्लमों को पीछे छोड़कर ही तो आगे बढ़ते हैं सर। सर समस्या से हमारा कैरियर नहीं रुक जाता है दोस्तों। अपनी प्रॉब्लमों को खत्म करते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए हम सफल हुए। समस्या हमारे साथ लगी हुई है लेकिन हमें इनसे निराश नहीं होना है। ये पूरी कहानी जब मैंने उस सेमिनार में सुनी तो मुझे कुछ चीजें याद आई। पहला याद तो यह है कि लक जो होता है वो प्रैक्टिस के आगे फेल है। यानी अगर हम किसी चीज का अभ्यास करें तो हमें सफलता मिल जाएगी। तीसरा डिसीजन के बारे में बताया कि डिसीजन आपके परफेक्ट होने चाहिए और एक डिसीजन लो वही आगे बढ़ो। और चौथा जो उन्होंने बताया प्रॉब्लम्स, सभी के साथ प्रॉब्लम्स है, बस हमें इन्हीं प्रॉब्लम में आगे बढ़ना है। और इस प्रकार इस कहानी ने मेरी पढ़ाई को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे इस बात का पता चल गया था कि अभ्यास करने से हम हर चीज हासिल कर सकते हैं दोस्तों। उसी को अपना साथी बनाया, अपने आप मोटिवेट किया और फिर मैं सीए पास किया। सीए पास करने के बाद मैं प्रमेश से मिला, विक्रांत से मिला, महेश झवर से मिला, सोरेन से मिला, लेकिन पी रमेश उसकी तलाश अभी जारी है। मैंने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश की और ये बताने के लिए कि दोस्त तुम्हारे जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर निभाया और अब मैं एक सीए बन गया हूं। यकीन मानना दोस्तों, शिवखेड़ा की जो किताब है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैंने उस किताब को पढ़कर अपने आप को मोटिवेट किया। मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम में सफल तभी हो सकते जब अपने आप को आप मोटिवेट करेंगे, और मैंने ये सारे तरीके अपनी किताब सीए पास द रियल स्टोरी बताए। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो बाकी में एनर्जी देगा। इस वीडियो ने, उस सेमिनार ने सच में मुझे एनर्जी दी थी और मुझे ये पता लग गया था कि प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। दोस्तों यहां पर वही बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत प्रैक्टिस, तो आप हर मैदान जीत सकते हैं, हर क्लास पास सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने बेहतर सुझाव हमें कमेंट में देंगे। ये रियल स्टोरी आज आपके लिए थे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।